तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो ग्रैंडफादर है वो हॉस्पिटलाइज्ड है और दूसरी तरफ रूरू ने अपना जो टांग है उसको काट लिया है करके। तो आज की स्टोरी में हम आगे का देखेंगे। तो ये बोलता है रूरू को कि तुम अपना मुंह ओपन करो, और वो दवाई लेके आता है दवाई लगाने के लिए। तो रूरू अपना बड़ा सा मुंह ओपन करता है और ये उसमें दवाई लगाता है। और तभी ये बोलता है कि अगली बार तुम केयरफुल रहना खाते वक्त, और बहुत अपना टाइम लेके तुम खाने को स्लोली खाया करो, ज्यादा जल्दबाजी में खाना मत खाया करो करके। और तभी सीईओ पीछे से देख रहा होता और ये भी कहता है कि तुम थोड़ी देर अपना मुंह खोल के ही रखो, और जो मैंने दवाई लगाई है उसको तुमको चाटना नहीं है। तो रूरू कहता है ओके। अब क्या होता है, तभी उसको सीईओ को कॉल आता है और वो बोलता है कि ये कॉल किसका है, क्या कुछ हो गया है क्या। और तभी ये बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा इनकॉन्शियस लग रहे हो, मतलब चिंतित लग रहे हो, ये दवाइयां रखते वक्त सीईओ से ऐसी बात करता है। तो सीईओ बोलता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ही बीमार हैं। तो यही पूछता है कि क्या वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, क्या उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, क्या तुम्हें वहां जाके उन्हें चेक करने की जरूरत है। यानी ये तो काफी चिंता हो रही होती है। तो सीओ बताता है कि ग्रैंडफादर ने ये कहा है कि उनको कुछ खास नहीं हुआ है और उनको ज्यादा वरी करने की चिंता नहीं है। लेकिन तब सीईओ थोड़ा हेजिटेट भी कर रहा होता है और सोचता है कि वो ग्रैंडफादर को कल विजिट करेगा। तो ये देखता है कि भाई सीईओ थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, तो वो पूछता है सीईओ को कि भाई तुम्हें किस बात की हेजिटेशन हो रही है करके, और तो तुम मुझे ये बात बताओ। और तभी ये बताता है कि जिन लोगों का एज हो जाता है उन लोगों का बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है, और बताता है कि यदि छोटी मोटी भी हेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और तभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं और उधर दिखाते हैं कि रूरू जो है अभी भी मुंह बड़ा सा खोल के बैठा हुआ है अपनी डकी के साथ। और तभी सीओ बोलता है कि ग्रैंडफादर ने कहा है कि वो अपने साथ रूरू को भी लेके आने के लिए कहा है उन्होंने मुझे, क्योंकि वो रूरू को देखना चाहते हैं। और तभी ये मेडिकल बॉक्स को रखता है और थोड़ा सोचता है, और उसके बाद वो सोच सोच के थोड़ा और विचार करता है। और तभी वहां दिखाते हैं कि रूरू अभी भी ओबीडियंटली वहां पर बैठा हुआ एकदम सुपर ओबीडियंट बॉय बनके। और तब ये को लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, मतलब रूरू को वहां भेजने से। फिर वो सोचता है कि रूरू को आज नहीं तो कल तो अपने रियल फैमिली के लोगों से मिलने जाना ही पड़ेगा, तभी उनका फैमिली बॉन्ड बनेगा, वैसे भी ये लोग ब्लड रिलेटेड है। तो ये बोलता है ठीक है दी, ऐसी बात है तो तुम क्या कहते हैं इसको ले जा सकते हो। लेकिन इससे पहले वो ये चीज बोले, वो देखता है कि रूरू के मुंह से धूल होने लगता, लार गिरने लगती, क्योंकि रूरू बहुत देर से अपना मुंह खोल के बैठा हुआ है। तो ये और सीओ दोनों ये देख के थोड़ा सा भौचक्के से हो जाते हैं, और फिर उसकी डकी भी नीचे गिर जाती है। और तभी रूरू बोलता है कि उसे अभी भी दर्द हो रहा है करके। और तभी ये उसका मुंह पोछता है, बोलता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, और यदि तुम बहुत सारे फ्रूट्स खाओगे, वेजिटेबल खाओगे और ज्यादा गुड रेस्ट लोगे तो, यानी ज्यादा रेस्ट लोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम्हारा जो दर्द है वो हवा में उड़ जाएगा। तो रूरू बोलता है सच्ची? तो ये बोलता है ऑफकोर्स, और बोलता है कि अभी बहुत लेट हो गया है, हमें बेड पे सोने जाना चाहिए करके। अब वो कमरे में जाते हैं, रात हो जाती है और रूरू को वो लोग सुलाते हैं करके। रूरू अपनी डकी के साथ बहुत पीसफुली नींद में सो रहा होता है। अब दोनों सी और ये खिड़की के बाहर देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी ये पूछता है कि तुम्हारी फैमिली को रूरू के बारे में सब कुछ पता है क्या। तो ये भी बोलता है कि उस टाइम पे मैं बहुत ही डरपोक था और इस इशू से मैं हमेशा भागता रहता था, लेकिन अब टाइम आ गया है जब मुझे ये इशू को फेस करना पड़े।
और तभी सीओ बताता है कि ग्रैंडपा और ग्रेट ग्रैंडपा जो है सिर्फ उन्हीं को पता है करके। तभी ये पूछता है कि ठीक है, लेकिन फिर तुम मेरा रिलेशनशिप रूरू के साथ कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सीओ थोड़ा सोच में डूब जाता है कि वो कैसे एक्सप्लेन करेगा, और ये देखने लगता है। और तभी पूछता है कि क्या अभी भी तुम रूरू को मेरे पास से ले जाना चाहते हो क्या करके? तो सीईओ बोलता है नहीं, और मैं कभी ये चाहता भी नहीं था कि मैं तुम्हारे पास से रूरू को ले जाऊं, तो तुम्हें इस विषय में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और तभी ये बोलता है कि हम सबके पास अपने अपने फैमिलीज हैं, मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तो हम अपना अपने पेरेंट्स को रूरू की आइडेंटिटी के बारे में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तभी ये बोलता है कि कभी तुमने सोचा है कि फ्यूचर में क्या होगा और हमें कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? तो सीईओ बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वो उन सबको सॉल्व कर देगा, और बोलता है कि तुम्हें सिर्फ अपने कैरियर पे फोकस करने की जरूरत है, बाकी किसी भी चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तुम जिस चीज से प्यार करते हो बस उसी चीज पे फोकस करो, और मैं सारी चीजों का बाकी सब ध्यान रखूंगा। तो ये बात सुन के बहुत देर तक सीईओ को देखता रहता है, क्योंकि ये बात आखिरकार यी को कहीं ना कहीं दिल में टच कर जाती है कि कोई उसका इतना ख्याल रख रहा है। तभी यी चलता है और सीईओ का हाथ पकड़ता है, और वो दोनों बोलते हैं कि चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, वो लोग हमेशा साथ रहेंगे। और सीईओ भी प्रॉमिस करता है कि वो और रूरू जो है वो भी साथ रहेंगे, और वो हमेशा ही हमेशा रूरू का ही फादर रहेगा करके। ये को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है, और सीईओ और ये एक दूसरे को देखने लगते हैं। और तभी ये को महसूस होता है कि उसकी फीलिंग्स जो है थोड़ी चेंज हो रहे हैं, तो वो फटाक से अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है यार जो तुमने कहा है उसे तुम हमेशा याद रखना करके, और बोलता है कि रूरू मेरा ही बेबी है, तो मैं जो हूँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, और तुम बिल्कुल भी कभी भी सोचना मत ये मत सोचना कि मुझे आगे फ्यूचर में तुम मतलब साइड में कर सकते हो करके। तो सीईओ थोड़ा मुस्कुराता बोलता है कि ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रूरू जो है हमेशा यी का ही प्रीशियस सन रहेगा करके, और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अब क्या होता है, दिखाते हैं कि रूरू अभी भी बहुत ज्यादा गहरी नींद में है, वो अपनी डगी के साथ सो रहा होता है, लेकिन उसे एक सपना आ रहा होता है। उस सपने में उसे दिखाई देता है कि कोई बोल रहा है कि बहुत उसको पेन हो रहा है, उसे बहुत हर्ट हो रहा है, और उसे ऐसा लगता है कि ये कोई और नहीं, ये उसकी डगी है जो बीमार हो गई है। और वो देखता है कि डगी बोल रही है कि उसको बहुत पेन हो रहा है, उसे हेल्प करे, और वो बोल रही है डकी की मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तो रूरू सपने में अपनी डकी से बात करता है और पूछता है कि कहीं तुम्हें हर्ट हुआ है क्या, और क्या तुमने भी अपनी टंग को बाइट कर लिया है? मतलब जैसे रूरू ने खाना खाते वक्त अपनी टंग को बाइट किया था, वो सोचता है कि उसकी डकी ने भी अपनी टंग को बाइट कर लिया है। तो डकी बोलती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सच में बहुत हो रहा है। तो रूरू बोलता है कि तुमको कहाँ पर चोट लगी है मुझे बताओ, और हम उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट यूज करेंगे। लेकिन डकी कुछ बोलती नहीं है, सिर्फ बोलती है उसे हर्ट हो रहा है, उसको हेल्प करो। तो रूरू सोचता है कि मैं तुमको यी के पास ले जाऊंगा, तो यी तुम्हारे को भी ऑइंटमेंट लगा देगा, और फिर तुमको इतना पेनफुल महसूस नहीं होगा करके, इतना दर्द नहीं होगा। और तभी देखते हैं कि जो डकी है वो ना मरने जैसी हो जाती है, और डकी बोल रही है कि ये मैं ही क्यों हूँ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, और मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और रूरू ये चीज देखता है, और ना रूरू को डर लगने लगता है, तो रूरू नींद में रोने लगता है और बोलता है ये मुझे बहुत डर लग रहा है ये करके, और फिर वो रोने लगता है क्योंकि उसकी डकी जो है वो थोड़ा वियर्ड सा बिहेव कर रही होती है करके। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एक्चुअली ये सब जो हो रहा होता है वो ग्रैंडफादर के साथ हो रहा होता है, क्योंकि ग्रैंडफादर बहुत डिप्रेस है कि उनका कैंसर उनको वापस आ गया है, और वो मरना नहीं चाहते हैं। बट ग्रैंडफादर का कनेक्शन एक्चुअली रूरू के साथ है हार्ट टू हार्ट, क्योंकि इनके फैमिली में एक स्पेशल पावर है जो ये मतलब किसी को भी कुछ भी होता है तो इनको थोड़ा वो फील होता है करके। तभी
जो ग्रैंडफादर है वो भी उठते हैं और बोलते हैं कि कौन यी, क्योंकि उनको भी सपने में दिखाई देता है कि कोई यी बोल रहा है करके। हम दिखाते हैं कि हॉस्पिटल आ चुके होते हैं और हॉस्पिटल के दरवाजे पर नॉक होता है। हमारा सीईओ हॉस्पिटल पहुंच चुका होता है और अंदर से आवाज आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। तो सीईओ दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है और देखता है बहुत सारे फैमिली के मेंबर्स बैठे हुए हैं और ये सारे फैमिली के मेंबर्स भी ग्रैंडफादर को मिलने के लिए आए होते हैं। तो जोरू अभी भी बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है और सपने में रो भी रहा होता है। तभी ये आता है और सीओ भी आता है, बोलता है रू 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 रू। तो ये बोलता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा। तभी रू उठता है, बोलता है कि मैंने डकी प्रिंस का सपना देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसको कुछ होते हुए देखा। तभी ये बोलता है कि मुझे तो पता है कि तुम्हें डकी प्रिंस बहुत ही पसंद है और इसीलिए तुम सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हो, शायद इसलिए तुम्हें अभी उसका सपना आया होगा। तभी ये बताता है कि डर्टी प्रिंस जो तुम्हारे सपने में आया है वो काफी हैप्पी होगा करके। तभी रूरू अपनी डकी को हाथ में लेता है और बोलता है लेकिन मुझे लगता है कि डकी प्रिंस जो है वो सिख है और वो मर रहा है करके। तभी ये बताता है कि ड्रीम्स जो होते हैं वो रियलिटी के अपोजिट होते हैं और जो डकी प्रिंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और वो नहीं मरेगा इतनी आसानी से, और ये जो है वो सिर्फ तुम्हारे साथ मैच कर रहा है तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है करके। तो रूरू बोलता है क्या सच में? तो ये बोलता है हाँ सच में, और जो डकी है वो अभी बहुत सारे एडवेंचर्स वगैरह करेगा करके और वो तुम्हारे साथ पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करेगा और सारे गैलेक्सी पे कॉन्कर भी करेगा और उसे कोई भी डिजीज जो है लग नहीं सकती, वो सारे डिजीज को डिफीट कर देगा। तो जब तुम नेक्स्ट टाइम उसको मिलोगे, डकी को मिलोगे, तो तुम उसको कंफर्ट करना और बोलना है कि वो चीयर अप हो जाएगा करके। तो रूरू बोलता है ओके, और फिर ये बोलता है कि अभी बहुत ज्यादा अर्ली है करके, अभी तुम वापस सो जाओ। तो रूरू ओके बोलता है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सब लोग बैठे होते हैं और सीईओ भी वहां पर पहुंचा होता है, खड़ा होता है। सीईओ अपने अंकल को देखता है, अंकल सीईओ को देखता है और तभी जो सीईओ की बहन है वो बोलती है जिन याओ इधर आओ, तुम इधर आओ। तो जिन याओ बोलता है ओके आ रहा हूँ। और तभी क्या कहते हैं, जो दूसरी औरत है वो बोलती है कि तुम बहुत ही बिजी हो गए जिन जाओ और तुम बहुत लेट नाइट तक वर्क कर रहे होगे, तो तुम इतना लेट क्यों आए हो? तभी लड़की बोलती है कि माँ आप ऐसा मत बोलो, हम लोग भी तो थोड़ी देर पहले ही आए हैं घर के। और तभी सीईओ बोलता है कि सॉरी लेट आने के लिए। तो उनके ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं अंदर आओ। तभी अंकल पूछते हैं, सीईओ के अंकल पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, आप हॉस्पिटल में ऐसे क्यों एडमिट है सडनली? तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो डॉक्टर है वो छोटी छोटी बातों को लेके बड़ा बड़ा बना रहे हैं, मुझे यहाँ पर बहुत स्मॉल इश्यू के लिए लाया गया है। और तभी ये औरत बोलती है, सीईओ के अंकल की वाइफ बोलती है कि आपको डॉक्टर के बारे डॉक्टर जो कहता है उसे सुनना चाहिए करके, और जो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं फिर वो बड़े प्रॉब्लम्स में बदल जाते हैं करके। मैं इतनी वरीड थी कि मैं पूरी रात सो भी नहीं पाई करके। तभी वो ये भी बोलती है कि ठीक है ग्रैंडफादर अब अपना ध्यान रखो और अपना केयर अच्छे से करो। और तभी ये पीले बाल वाली लड़की बोलती है कि ग्रैंडफादर आप मेरे पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में मत भूलना, आपको जल्दी ठीक होना पड़ेगा क्योंकि आपको मेरे साथ आना है तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। तभी उसकी माँ बोलने लगती है इसको कौन सा पेंट एग्जीबिशन? तो फिर कॉलेज के एंट्रेंस के एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तुम ये सब कर रही हो, तुम्हें अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए, यूजलेस चीजें मत करो और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि इसकी जो आदतें हैं
वो ठीक है और इसको ये डिजर्व करती है पेंटिंग वगैरह एग्जीबिशन में जाने के लिए। और बोलते हैं रॉन्ग रन, तुम इसके बारे में मत सुनो जो तुम्हारी माँ बोलती है, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी एग्जीबिशन में। तो रॉन्ग रॉन्ग खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है ग्रैंड फादर, आप मेरे एग्जीबिशन में जरूर आना। तभी अंकल का लड़का बोलता है कि हाँ ठीक है ग्रैंड फादर, आप जल्दी से ठीक हो जाओ करके, मुझे कंपनी के बारे में कुछ खास पता नहीं है तो मुझे आप ही से सीखना है। और मेरा जो डैड है वो बहुत ही बिजी रहते हैं, वो मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं। तभी ग्रैंडफादर सोचते हैं कि जिंग हाओ फैमिली ने जो है वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। और तभी अंकल बोलते हैं कि सन तुमको ग्रैंडफादर के साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहिए जिससे कि तुम उनसे कुछ सीख सको और तुम्हें कुछ करना चाहिए अपना लाइफ में, और नहीं तो तुम ज्यादा समय तक रहोगे नहीं करके। और तभी वो बोलते हैं कि ठीक है मैं जो हूँ मैं इस साल जो हूँ कंपनी के लिए कुछ अच्छा करूंगा करके, तो क्या तुम मुझे गिफ्ट दोगे पापा करके। तो उसके पापा बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें पहले कुछ करना पड़ेगा तभी तुम गिफ्ट मिलेगा। तभी बच्चा बोलता है कि ग्रैंडफादर मुझे कार चाहिए और क्या कहते हैं देखो पापा ने प्रॉमिस किया है करके। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि यदि तुमने काम किया तो मैं तुम्हारे लिए कार जरूर खरीद के लाऊंगा। और तभी दूसरा लड़का भी बोलता है कि मुझे भी स्पोर्ट्स कार चाहिए। तो रेड हेयर वाली औरत बोलती है कि आप इसको बहुत ही बिगाड़ रहे करके। और सीईओ के अंकल बोलते हैं कि तुम ज्यादा सोचो मत करके। और ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है तुम अपना कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पहले क्लियर कर लो। तो सीईओ सब कुछ सुन रहा होता है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है तुम लोग ने मुझे देख लिया, तुम लोग जा सकते हो और जाके अपना अपना काम करो, यहाँ रहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सब लोग बोलते हैं कि ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो आपकी हेल्थ है, इससे ज्यादा कोई भी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है। और तभी ये आंटी उठती हैं और बोलती हैं कि ठीक है आप लोग डैड आप रेस्ट करो, आपका रूम जो है बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, हम लोगों को चलना चाहिए और हम लोगों को आपकी देख रेख टर्न्स ले लेके करनी चाहिए। और तभी अंकल उठते हैं और बोलते हैं ठीक है वो हम लोग जा रहे हैं। सब लोग जाने लगते हैं। तभी ग्रैंडफादर देखते हैं बोलते हैं कि जिन याओ रुको, यानी सीईओ को रुकने के लिए बोलते हैं। तो सीईओ बोलता है क्या हुआ ग्रैंडफादर। तभी और अंकल भी बोलते हैं कि क्या हुआ डैड। तो भी ग्रैंडफादर बोलते हैं कुछ नहीं, अपने रास्ते में तुम लोग केयरफुल रहना जाते वक्त क्या होता है। और ग्रैंडफादर सोचते हैं कि जिन याओ और जो उसके दूसरे बच्चे वो हमेशा बिजी रहते हैं और मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है और हम लोग ज्यादा देर बैठ के एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और अब मैं जब फ्री मैन बन गया हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपना टाइम कैसे काटूं। और तभी एक आदमी आके बोलता है कि तुम आराम अच्छे से करो और सब बच्चे जो है सब चीजों की देखरेख करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं ठीक है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुमको भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ग्रैंडफादर बोलते कि उनको पिछले समय में बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे थे, उन्होंने और शायद ड्रीम में किसी इमोर्टल को भी देखा था। इमोर्टल एक ऐसी चीज होती है यानी कि ऐसा इंसान जो कभी मर नहीं सकता। और वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैंने किसको देखा था लेकिन वो तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि उन्होंने एक ड्रीम देखा जिसमें इमोर्टल था लेकिन वो नहीं जानते कि वो कौन इमोर्टल था करके। और वो जो है वो बहुत ही मैजिकल जैसा दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैं उस चीज के बहुत ही क्लोज जाना चाहता हूँ करके। और मुझे अभी भी याद है कि वो किसी को बोल रहा था कि किसी को तुमको ढूंढना है, और मुझे इसके अलावा कोई भी ज्यादा डिटेल्स याद नहीं है उठने के बाद। तभी वो आदमी बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई तरह का गाइडेंस हो हेवेंस की तरफ से। तो ग्रैंडफादर सोच में डूब जाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं जानता हूँ कि जो यंग पीपल होते हैं तुम्हारी तरह वो इन चीजों पे भरोसा नहीं करते हैं, और मेरे लिए एक कप पानी लेके आओ। अब रूरू जो होता है और बोलता है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा और मुझे भी मिस करना तुम याद रखना करके।
तो ये बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हर दिन मिस करूंगा और मैं तुम्हें देखने भी आऊंगा यदि मेरा शेड्यूल फ्री होगा तो तुम्हें बच्चे बच्चे की तरह रहना, मैथमेटिक्स को अच्छे से सीखना, और मैं चाहता हूँ कि जब अगली बार हम मिले तो तुम 100 तक की गिनती को काउंट कर सको। तो रूरू बोलता है ओके, और तभी ये बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ और मैं अपने क्रू से मिलने जा रहा हूँ। तो सीईओ बोलता है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें अंदर तक कंपनी दूं करके? तो ये बोलता नहीं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयरपोर्ट वैसे भी बहुत भीड़ भाड़ वाला है, तुम लोगों को बाहर जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए। तो सीईओ बोलता है ठीक है गुड लक करके, और फिर सीईओ बोलता है कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, और वो जिंग को बोलता है कि तुम ये प्लीज सेफ्टी का ध्यान रखना और यदि कुछ होता है तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। तो जिंग बोलती है ओके बॉस, फिर सब लोग जाने लगते हैं, ही उन लोगों को बाय बाय कहता है और जाता है। फिर रूरू भी ही को दूर से बाय बाय करता है। अब प्लेन उड़ चुका होता है और ही अपने क्रू के लिए निकल चुका होता है।